मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी। मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं कोई स्कूल ऐसी ना हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी हैं जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, कुछ स्कूल ऐसी हैं जहां बालक भी के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। लेकिन मुझे उसमें जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, उनके पतिदेव इंडियन है। वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी। मैंने बताओ। तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं, और ये हमारा हमारे स्कूल में हमारे यानी चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है, आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे जाकर के मीडिया वालों को पूछना पड़ेगा, वरना ये 24 घंटे चल पड़ता है। मैंने क्योंकि एक दिन देखा था जब मैं गुजरात में था तो एक टीवी पे कार्यक्रम आ रहा था, कार्यक्रम ये था किसी स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे थे और क्या तूफान खड़ा कर दिया था कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ये कैसे स्कूल है, ये कैसे मैनेजमेंट है, कैसे टीचर है, बच्चों पर दमन कर रहे हैं, सब कुछ मैंने देखा था एक बार। खैर मैंने उनसे तो मजाक कर ली, लेकिन हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाएं, और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है।